Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Print Comes to India of Class 10th History Chapter Number 5. So last video में हमने ये देखा था कि इंडिया में प्रिंट से पहले क्या होता था, मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इंडिया में नहीं आई थी तो उससे पहले किस तरीके से इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा जाता था. तो वो चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी उनके मदद से प्रिंटिंग से पहले इंफॉर्मेशन को संजो के रखा जाता था. अब इंडिया में प्रिंट कैसे आई और कब आई, तो ये चीज हम इस सेक्शन में देखेंगे. प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी. तो इंडिया में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में आई, और वो भी गोवा में कौन लाया, पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे वो मिड 16th सेंचुरी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लाए. तो पोर्टुगीज मिशनरीज मतलब मिशनरीज अगेन वो लोग होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म की टीचिंग्स को फैलाते हैं, तो उन लोगों को मिशनरीज कहते हैं. तो जो पोर्टुगीज मिशनरीज थे वो गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे मिड 16th सेंचुरी में. जेसुट प्रिस्ट्स लर्नड कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स. तो जेसुट कौन होते हैं, जेसुट जो है एक सोसाइटी ऑफ जीजस थी क्रिश्चियंस की, मतलब जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं ऐसे लोगों की एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ जीजस. एंड इसके जो लोग हैं, इस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको जेसुट कहा जाता है. तो बेसिकली जो एक तरीके से क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उन लोगों ने सबसे पहले कोंकणी लैंग्वेज जो है वो सीखी. कोंकणी जो भाषा है वो इंडिया की एक सदर्न इंडिया की एक भाषा है. तो कोंकणी भाषा प्रीस्ट ने सीखी, जेसुट प्रीस्ट ने, और उनको फिर प्रिंट किया. By 1674, about 50 books had been printed in Konkani and in Kannada language. तो 1674 तक 50 books जो हैं वो Konkani and Kannada भाषा में print हो चुकी थी. Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, and in 1730 the first Malayalam book was printed by them. तो जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, कैथोलिक मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ही अलग अलग ग्रुप्स हैं, कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट, तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स हैं. मतलब जैसे आप मुस्लिम्स में देखोगे शिया सुन्नी होता है, इसी तरीके से आप हिंदुइज्म में देखोगे वैष्णवाइट शैवाइट होता है, और जैसे आप दूसरे धर्मों में देखोगे बुद्ध धर्म में देखोगे महायान हीनयान, जैन में देखोगे श्वेतांबर दिगंबर. तो मतलब इस तरीके से धर्म के अंदर ही कुछ ग्रुप्स होते हैं. तो जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें ही कैथोलिक प्रिस्ट जो है वो एक तरीके से ग्रुप हैं. इन्होंने 1579 में कोचिन में पहली तमिल बुक प्रिंट की थी, एंड 1713 में पहली मलयालम बुक इन्होंने प्रिंट की. बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मैनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क्स. तो 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो थे उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट जो हैं वो प्रिंट की, और ये जो 32 तमिल टेक्स्ट थी इनमें से ज्यादातर ऐसी बुक्स थी जो कि पुराने वर्क को ट्रांसलेट कर रही थी. मतलब कि पहले कोई टीचिंग्स वगैरह या पहले पुराने कोई टेक्स्ट वगैरह होंगे उनको ट्रांसलेट करके तमिल टेक्स्ट में, तमिल में ट्रांसलेट करके उनको प्रिंट किया गया था. द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिगिन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी. अभी तक हमने देखा कि अभी यहाँ पे क्या है, जो पोर्टुगीज मिशनरीज हैं उन्होंने प्रेस लाई और कोंकणी भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखना शुरू किया, प्रिंट करना शुरू किया. कैथोलिक प्रिस्ट ने तमिल एंड मलयालम भाषा में उन्होंने प्रिंटिंग की. डच प्रोटेस्टेंट ने फिर से तमिल टेक्स्ट जो है वो प्रिंट किया, बट अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी. हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लेट 17th सेंचुरी से ही प्रिंटिंग प्रेसेस को इम्पोर्ट करने लगी थी, बट उसने अभी इंग्लिश में प्रिंट करना इंडिया में शुरू नहीं किया था. मतलब अभी इंडिया में प्रिंटिंग शुरू हो चुकी थी बट इंग्लिश भाषा में प्रिंटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई थी. From 1780s, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none. तो 1780s में क्या हुआ, James Augustus Hickey थे, इन्होंने Bengal Gazette करके एक weekly magazine शुरू की. तो Augustus Hickey जो है इन्होंने ही इस magazine को शुरू किया था, वो इसको publish करते थे, इसको edit करते थे.
तो अगस्त्य सिक्की जो है वो क्या बोलते हैं कि ये जो बंगाल गैजेट है, ये एक ऐसी मैगजीन है, ऐसा कमर्शियल पेपर है जो सबके लिए खुला हुआ है, सब इसको आके पढ़ सकते हैं, बट ये किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, मतलब कि बंगाल गैजेट पे किसी का भी प्रभाव नहीं है। तो अगस्त्य सिक्की कहते थे कि ये जो बंगाल गैजेट है, जो ये वीकली मैगजीन है, ये सबसे इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज का इस पे असर नहीं पड़ता, किसी भी तरीके के लोगों का बंगाल गैजेट की न्यूज पे, उसके खबरों पे, उसके जो भी वर्क है उस पे फर्क नहीं पड़ता। सो इट वाज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी की ये जो बंगाल गैजेट था, ये एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी जो कि बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करती थी इस बात पे कि इसको कॉलोनियल से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब कि जो कॉलोनियल पावर है उसका कोई भी प्रभाव बंगाल गैजेट पे नहीं पड़ता है। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा गर्व करते थे ऑगस्टस हिकी। सो दैट बिगिन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। तो एक तरीके से जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट लाया, तो इसी के साथ इंडिया में 1780s में पहली इंग्लिश प्रिंटिंग जो है वो शुरू हुई। हिकी पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो हिकी ने अपने प्रिंटिंग प्रेस से काफी सारे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हैं वो प्रिंट किए, यहाँ तक कि स्लेव्स के इम्पोर्ट वाली जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके उनसे रिलेटेड भी जेम्स ने एडवर्टीजमेंट की थी। बट ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के साथ साथ जेम्स हिकी ने क्या किया, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स रहते थे, जो कंपनी के सीनियर मेंबर्स रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे, उनकी गॉसिप्स, उनके लाइफ के बारे में, उनके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह के बारे में, मतलब ऐसी चीजें जो कंपनी सीनियर्स नहीं चाहते थे बाहर आए, उन चीजों को भी जेम्स ने प्रिंट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने हिकी को पनिश कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया, एंड एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज पेपर दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो जब वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को एक तरीके से पनिश कर दिया और जो बंगाल गैजेट है वो बंद हो गया, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने एक तरीके से एनकरेज किया कि ऐसे पब्लिकेशंस होने चाहिए जो ऑफिशियली सैंक्शनड हो, मतलब कि जिनको ऑफिशियली अप्रूव किया जाए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये चीज तुम प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके से ऑफिशियल अप्रूवल न्यूज़पेपर्स को लेना होगा, जिससे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को जो भी नुकसान हो रहा है, कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को जो भी नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जेम्स हिकी है वो कंपनी की सारी बातों को प्रिंट कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी की एक तरीके से इमेज पे असर पड़ रहा था। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी की बंगाल गैजेट को बंद करवा दिया और ये बोला कि किसी भी न्यूज़पेपर को अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो पहले हमसे आके पूछेगा कि वो प्रिंट करे या नहीं। बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स अपियर्ड इन प्रिंट। तो 18th सेंचुरी के खत्म होते होते काफी सारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जो है वो प्रिंट होने लग गए थे, और इंडियंस भी थे जिन्होंने अब प्रिंटिंग शुरू कर दी थी। द फर्स्ट टू अपेयर वॉज द वीकली बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य हु वॉज क्लोज टू राम मोहन रॉय। तो अब इंडियंस ने भी प्रिंट करना शुरू किया था और पहला जो एक तरीके से इंडियन न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गैजेट। अब ये वाला जो बंगाल गैजेट है वो हिक्की के बंगाल गैजेट से अलग है। हिक्की का जो ये बंगाल गैजेट है, जब वो खत्म हो गया, जब हिक्की को पनिश कर दिया गया, प्रोसिक्यूट कर दिया गया, इनका बंगाल गैजेट जब बंद हो गया, उसके काफी टाइम बाद गंगाधर भट्टाचार्य का ये जो बंगाल गैजेट है ये आया। ऑगस्टस हिकी का जो बंगाल गैजेट था वो इंग्लिश भाषा में था, बट गंगाधर भट्टाचार्य ये जो अब बंगाल गैजेट लाए हैं, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, ये बंगाली भाषा का न्यूज़पेपर था। तो ये दोनों बंगाल गैजेट जो है अलग है, राइट। सो ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, ये जो अब बंगाल गैजेट आया है ये इंडियन भाषा में है, बंगाली भाषा में है, और ये गंगाधर भट्टाचार्य इनको लाए थे, और गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो राम मोहन राय रॉय के काफी करीबी थे। तो एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि पहले इंडियन न्यूज़पेपर्स में से बंगाल गैजेट जो है वो भी एक था जिसने इंडियन लैंग्वेज में प्रिंटिंग शुरू की। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी बंगाल गैजेट ही था पहला न्यूज़पेपर, बट वो जो बंगाल गैजेट है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी लाए थे। बंगाल का जो न्यूज़पेपर था, बंगाली भाषा का जो न्यूज़पेपर है वो भी बंगाल गैजेट ही था, बट इसको लाए कौन थे, गंगाधर भट्टाचार्य। तो आई होप इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी एंड आपको ये क्लियर होगा कि इंडिया में प्रिंट कैसे आया। तो पोर्टुगीज वगैरह लाए थे, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कि किस तरीके से पोर्टुगीज लाए, फिर जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं, डच प्रोटेस्टेंट्स हैं, इन सब ने भी
तमिल भाषा में और कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ इन सभी भाषाओं में प्रिंट किया, और फिर इंग्लिश प्रिंट कैसे हुआ शुरू वो हमने देखा कि जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है वो इंग्लिश की उन्होंने प्रिंट की थी सबसे पहले।